कृषि। आज हमारा चलेगा भारत का उद्योग। भारत के उद्योग में सबसे पहले है वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे अधिक संगठित और व्यापक उद्योग है, यानी कि जो हमारा भारत है वो वस्त्र बनाने में सबसे ज़्यादा और सबसे माहिर है। फिर है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में हुई थी, और किसने की थी? कवास जी एन दावद ने की थी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पर है, तो मुंबई में है, और किसने इसकी स्थापना की थी? कवास जी एन दावद ने की थी। फिर है मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। जो मुंबई है उसे कहाँ क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनाया जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है गुजरात में के अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टा कहा जाता है। गुजरात में जो गुजरात का अहमदाबाद है उसको पूर्व का बोस्टा कहा जाता है। चीन के बाद कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे चीन है जो रेशम उगाता है, और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है जो कच्चा रेशम उगाता है। फिर है भारत से सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में मिलता है, यानी कि भारत का भी जो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा रेशम उगाता है वो कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा रेशम उगाता है हमारे यहाँ। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि टाटा स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप बता देंगे 1907 में, और कहाँ हुई थी? जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। भारत इस्पात का सबसे बड़ा आयातक जापान है, यानी कि जो हमारे यहाँ से इस्पात आयात किया जाता है वो सबसे ज़्यादा जापान से किया जाता है। कर लेंगे आपके पास 1859 को भारत को जूट का पहला कारखाना, यानी कि जूट का जो सबसे पहला कारखाना बना था वो कहाँ बना था? बंगाल के रिसार में बना था, और कब बना था? 1859 को। पहली कागज मिल 1881 में बनी थी, और कहाँ बनी थी? टीटागढ़ में बनी थी। तो सबसे पहली कागज मिल कहाँ बनी थी? टीटागढ़ में, और कब? 1881 में। अखबारी कागज मिल नेपानगर में बनी थी, और कब बनी थी? 1947 यानी कि 1947 को बनी थी। कर लेंगे रासायनिक खाद का कारखाना। रासायनिक खाद पता है, इनऑर्गेनिक जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल से बन के आते हैं, वो कारखाना कहाँ बना था? तमिलनाडु में बना था, और कब बना था? 1906 में बना था। और कारखाना 1951 में बना, और कहाँ बना? सिंदरी में बना। ताकि भारत को सबसे ज़्यादा कपड़ा बनाने का उद्योग है, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ा बनाया जाता है। भारत को प्रथम सूती वस्त्र मिल हमारी कहाँ हुई थी? मुंबई में बनाई गई थी, और किसने बनाई थी? कवास जी एन दावद ने बनाई थी। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात को अहमदाबाद के पूर्व का बोस्टार कहा जाता है। कर लेंगे। फिर उसके बाद है चीन के बाद कच्चे रेशम में भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है कच्चे रेशम में? चीन, और दूसरे में है, दूसरा है भारत। भारत के सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे यहाँ भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। फिर है भारत इस्पात का सबसे बड़ा आयातक कौन है? जापान। 1959 में भारत के जूट का पहला कारखाना बना, वो कहाँ बना था? पश्चिम बंगाल के रिसार में बना था। फिर है पहली कागज मिल 1881 में बनी, और कहाँ बनी थी? टीटागढ़ में बनी थी। अखबारी कागज मिल 1947 में बनी, और कहाँ बनी थी? नेपानगर में। रासायनिक खाद कारखाना 1906 में बना था, और कहाँ बना था? तमिलनाडु में बना था। उर्वरक कारखाना 1951 में बना, और कहाँ बना? सिंदरी में बना। कर लेंगे। फिर उसके बाद है ये कुछ कारखाने हैं जो आपकी योजनाओं के तहत बनाए गए थे, और ये कुछ देशों की सहायता से भी बने थे। सबसे पहला है स्थान, कि हमारा किस किस स्थान पे हैं, कौन कौन से स्थान पे हमारे कारखाने बनाए गए, फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच बनाए गए, और किस किस देश की हेल्प से बनाए गए। पहला है राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा था, वो कहाँ किसकी सहायता से बनाया गया था? जर्मनी की सहायता से। और कौन सी योजना के तहत? दूसरी योजना के तहत। मलाई छत्तीसगढ़ भी आपकी रूस की सहायता से बना था, और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया, और किसकी हेल्प से? ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया। तो पहला है कि आप सेकंड पर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन कौन से आपके कारखाने बनाए गए? राउरकेला और मलाई और दुर्गा। कैसे करेंगे? दुर्गा को मलाई मिली, दुर्गा ने मलाई खाई, दूध वाली मलाई ली, और उसने केले के साथ मिलाकर खा गई। कर लेंगे। दुर्गा मलाई को लेकर केले के साथ मिलाकर
खा गई, कौन सी में, दूसरे नवरात्रि में। फिर है बोकेरा, बोकेरा कौन सा है, झारखंड में है, और कब बना था वो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, और किसकी सहायता से, रूस की सहायता से बना था। ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, जो बोकरा है वो हमारा एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, वो कहाँ बना था, चौथे पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, और कहाँ पर, रूस की सहायता से बना था। विशाखापट्टनम बहुत आता है एग्ज़ाम में, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। सेलम तमिलनाडु का है, चौथी पंचवर्षीय योजना में बना। भद्रवती भी कर्नाटक का है, कौन सी में बना, चौथी पंचवर्षीय योजना बना। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अवॉइड करें, इसमें सारी चीज़ें टाइप टू टाइप याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएड में भी आता है और अदर एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आप रिविज़न करते रहिए। एक दिन मैं टेस्ट सीरीज चलाऊँगी सैटरडे में, शायद मे भी, हाँ सैटरडे में आपका टेस्ट होगा, टेस्ट सेशन है आपका सैटरडे में, तो आप तब तक अपना सारा रिवीजन कर लीजिए, और फ्राइडे में मैं पूरी क्लास का एक साथ रिवीजन लूँगी।